हेलो चिल्ड्रन, हम आपके पहले चैप्टर में हैं। व्हाट इज वॉर? पानी होता है किन चीजों के लिए? व्हाट इज फॉर वॉशिंग? वॉशिंग कपड़े धोना, किसी भी चीज को धोना, धोना वॉशिंग। ड्रिंकिंग पीने के लिए, मेकिंग टी चाय बनाने के लिए, क्लीनिंग द बाथ नहाते समय क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग के लिए भी होगा, नहाने के लिए भी होगा। किसी भी चीज की आप सफाई करना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पानी की। और स्क्रबिंग में रगड़ना है, स्क्रब करने का मतलब रगड़ना, अपने शरीर को रगड़ने के लिए भी आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, तब तो आप वॉश करके साफ कर पाएंगे। शाइनिंग अ कार और रिंसिंग अ शर्ट, आपको कार को शाइन करना है। शाइनिंग अ कार ऐसी शाइन हो सकती है बिना उसको धोए? पानी से धोना पड़ेगा। एंड रिंसिंग अ शर्ट, एक शर्ट को धोना है, वॉश करना है, रिंस करना है, उसके लिए भी आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। वॉटरिंग टोमेटोज, शिफ्टिंग द डर्ट, टोमेटो के पौधे में आपको पानी डालना है तभी तो टोमेटो आएगा, उगेगा। वॉटरिंग टोमेटोज, शिफ्टिंग द डर्ट, या डर्ट को शिफ्ट करना है, गंदगी को, धूल को हटाना है। पानी डाल के हटाते हैं ना, हम धोते हैं। माय मॉम सेज, ऐसा मेरी मम्मी कहती हैं। बट आई से पैडलिंग इन वेलीज, वेलीज ये है, वेलीज अ काइंड ऑफ शूज, एक प्रकार के जूते। ये हाई बूट्स की तरह से होते हैं, लगभग आपके घुटनों के नीचे तक इनकी लंबाई होती है और ये वाटरप्रूफ मटेरियल से बने हुए होते हैं, जिससे पानी ना इनके अंदर जा पाता है और ना ही इन जूतों को डैमेज कर पाता है। इनको हम बोलते हैं वेलीज। तो ये वेलीज, ये बच्ची कह रही है बधाई से, पैडलिंग इन वेलीज, पैडलिंग मूविंग इन वॉटर, पानी पे चलना, जूते पहन के चलूं और जस्ट इन फीट या खाली पैर चलूं। पडल्स आर गुड बट सीज अ ट्रीट, पडल ये पडल, पानी से भरा हुआ एक गड्ढा, पडल। पडल्स आर गुड बट सीज अ ट्रीट, अगर सी मिल जाए, समुद्र मिल जाए पानी पे चलने के लिए तो क्या बात है। समुद्र के किनारे आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन जो सी शोर्स हैं वहां बहुत कॉमन होता है कि बच्चे समुद्र के किनारे खूब खेलते हैं पानी में। स्क्वर्टिंग एट ब्रदर्स, स्क्वर्टिंग पिचकारी में भर के जोर से जो मारते हैं, दैट इज स्क्वर्टिंग, तेजी से अपने भाई के ऊपर छींटना पानी। स्प्लैशिंग डैड, पिताजी के ऊपर पानी का छींटा मारना, उनको नहला देना। सोकिंग माय सिस्टर टू मेक हर मैड, अपनी बहन को गीला कर देना इतना कि वो गुस्सा हो जाए। मिक्सिंग विद मड टू बेक अ पाई, मिट्टी के साथ, मड के साथ मिक्स करके, पानी और मड यानी मिट्टी, उसको मिक्स करके पाई बनाना। पाई एक प्रकार का केक होता है, केक की तरह से लगने वाला एक स्वीट डिश, दैट इज पाई। तो जिस तरह से आप लोग बनाते हैं ना तरह तरह की मिठाइयां मिट्टी से, बिल्कुल उसी तरह से ये बच्ची पाई बना रही है। मड के साथ में, मिट्टी के साथ में पानी को मिलाया, मिक्स किया, बन गया पाई। अब उसको बेक करेगी। बेक करने का मतलब ये होता है उसको आग में तपाना, ओवन में बेक किया जाता है, ठीक है। स्प्रेइंग द डॉग और कैचिंग अ फ्लाई, डॉग के ऊपर में स्प्रे करना, पानी मारना, डॉग को कैसा लगता होगा। और कैचिंग अ फ्लाई, मक्खी पकड़ना, आप लोग पकड़ सकते हो क्या मक्खी? मक्खी पकड़ी जा सकती है क्या पानी से? आई डोंट नो, पता नहीं, पर ये बच्ची करना चाहती है। ये किस तरह से फ्लाई को कैच करेगी पानी की सहायता से, पर ये बोल रही है कि स्प्रेइंग द डॉग और कैचिंग अ फ्लाई, फ्लाई को कैच करेंगे या फ्लाई को कैच करना, मक्खी को पकड़ना।
बाथ और पडल, चाहे नहाने के लिए हो, चाहे पडल पानी का गड्ढा हो भरा हुआ, स्लीट और रेन, स्लीट माने जिसमें पानी के साथ साथ बर्फ गिरती है, पानी की मात्रा कम होती है बेटा, छोटा छोटा बर्फ का जो टुकड़ा है वो गिरता है, दैट इज स्लीट या रेन हो। लेट्स ऑल प्ले अ वॉटर गेम, चलो मिलके खेलें पानी का खेल। इस कविता में दो अलग अलग चीजें आ रही हैं आपके सामने। एक तो उसकी मम्मी बता रही हैं कि भाई मम्मी ने जो बच्ची को बताया है कि ऐसा ऐसा आप पानी के साथ कर सकते हैं, जैसे वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, क्लीनिंग द बाथ, स्क्रबिंग, शाइनिंग अ कार, रिंसिंग अ शर्ट, वाटरिंग टोमेटोज, शिफ्टिंग द डर्ट। ये सब मम्मी का कहना है। एक बार इनको फिर से समझते हैं। वॉटर फॉर वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, धोने के लिए, पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, नहाने के लिए, रगड़ने के लिए, चमकाने के लिए कार को, या फिर शर्ट को धोने के लिए, टमाटो में पानी डालने के लिए, धूल मिट्टी को भगाने के लिए, ये सब के लिए पानी काम आता है, माँ का कहना है। बनाई से बच्ची कहती है पैडलिंग इन वेलीज, जूते पहन के पानी पे चलने के लिए, और जस्ट इन फीट या सिंपली पैर, जो शुरू में वीडियो दिखाया था आपको, आपने देखा था किस तरह से बच्चे वेलीज पहन के चल रहे थे पानी पे, बस वही चीज। पडल्स आर गुड बट सी इज अ ट्रीट, पानी से भरा हुआ गड्ढा अच्छा है पर समुद्र तो वाह मजा आ जाए। स्क्वर्टिंग एट ब्रदर्स, स्प्लैशिंग डैड, भाई के ऊपर छींटने के लिए पिचकारी से, और स्प्लैशिंग डैड, डैड को पानी से छींटा मारने के लिए, डैड को स्प्लैश करने के लिए पानी। सोकिंग माई सिस्टर, मेरी बहन को गीला करने के लिए, पूरा भिगा दूं, टू मेक हर मैड कि वो गुस्सा हो जाए। टू बेक अ पाई, मिक्सिंग विद मड टू बेक अ पाई, पानी और मिट्टी को मिक्स करके पाई बनाया, इस पाई को बेक करेंगे। स्प्रेइंग द डॉग और कैचिंग अ फ्लाई, डॉग के ऊपर स्प्रे करने के लिए या मक्खी पकड़ने के लिए, गॉड नोज कैसे मक्खी पकड़ेगी ये बच्ची ही जानती है। बात हो पडल, नहाने के लिए हो या पानी का छोटा सा गड्ढा हो, स्लीट और रेन, चाहे बर्फ गिर रही हो पानी के साथ या पानी गिर रहा हो, चलिए मिलके खेलें अ वॉटर गेम। तो ये थी आपकी पोएम वॉटर्स फॉर। आइए इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंप्लीट द टेबल, व्हाट्स वॉटर फॉर, ये जो टेबल यहां दिया है, मदर एंड चाइल्ड लिखा हुआ है, यहां आपको देखना ये है कि बच्चे के अनुसार और माँ के अनुसार कौन कौन सा काम पानी से किया जा सकता है। एक तरफ है माँ के अनुसार, एक तरफ है बच्चे के अनुसार। आप देखेंगे माँ ने जो कहा है वो सब माँ के कॉलम में आ जाएगा, और बच्चे जो चाहती है वो सब बच्चे के कॉलम में आ जाएगा। ये आप बना लेंगे बहुत अच्छी तरह से। पोएम देखिए, पूरा लाइन से आपको लिखना बस है। Given are some situations, imagine yourself as a 5-year-old child. Tick some of the situations that you would enjoy doing. यहाँ पे कुछ situations हैं, दिए हुए हैं, आप अपने आप को 5 साल का बच्चा समझिए और इस situation में आप क्या काम करना पसंद करेंगे उस पर आपको right लगाना है। चलिए शुरू करें। Waking up someone by pouring water, किसी को पानी पोर करके डाल के जगाना पसंद करेंगे तो राइट, नहीं करेंगे तो रॉन्ग। Watering plants, पौधों में पानी देना पसंद करेंगे। Jumping in rain water, बारिश के पानी में जंप करना। Washing clothes, कपड़े धोना। Throwing water on someone, किसी के ऊपर पानी फेंकना। फ्लोटिंग पेपर बोर्ड्स एंड टब और बकेट, टब में या बकेट में, बाल्टी में आपको अगर पानी की बोट चलाने, सॉरी पेपर बोट चलाने दिया जाए, कागज से नाव बनाना आता होगा आप लोग को, कागज की नाव बारिश में चलाते भी होंगे, तो कागज की नाव अगर आपको चलाने दिया जाए बाल्टी में या टब में तो आप पसंद करेंगे, बताइए। फिलिंग एन एम्प्टी बॉटल विथ वॉटर, या आपको दे दिया जाए खाली बॉटल, इसमें पानी भर के लाओ। Pouring out water from one glass to another, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डालना। Put a paper in the water and stick it on the walls or doors, एक छोटे से कागज के टुकड़े को पानी में डालिए
और उसको दरवाजे पे या दीवार पे चिपकाइए. प्लेइंग विथ वॉटर, पानी से खेलना. देख लीजिए आपको क्या क्या पसंद है, आप वो चीजें यहां पे करेंगे. इसका जो नेक्स्ट है, इसमें तो आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, ये आप कर लेंगे. शर्ट, फीट, मैट, फ्लाई, टी. मेक ए लिस्ट ऑफ हॉबीज फॉर ईच जिस वॉटर इज नेसेसरी. पानी जिसके जिसके लिए नेसेसरी है वो आपको यहां पे लिखना है हॉबीज के लिए. तो मैं समझती हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में.